संन्यास लेने का अधिकार केवल वैराग्यवान को है। जद हरे व व्रजे तद हरे व प्रव्रजे, ब्रह्मचर्यादवा गृहादवा वनादवा, जिसके चित्त में वैराग्य हो और स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक वैराग्य में संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, तो दोष दुख दर्शनानुपूर्वक जिसको वैराग्य है, जिसने संसार के दोष का चिंतन किया है, ये नहीं कि अब हम मिनिस्टर रह चुके हैं सन्यासी हो जाएंगे तो बहुत आदर मिलेगा, और भूतपूर्व मिनिस्टर ध्रुवानंद जी महाराज का ये नहीं, भूतपूर्व मिनिस्टर ही से जो अपने आप में महत्व की स्थापना करता है वो सन्यासी होने योग्य नहीं है। मैं इतना धनी था, मैं इतना विद्वान था, अपनी पूर्व योग्यता को सन्यास के साथ नहीं जोड़ा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। तो जिसको प्रपंच से तो हो वैराग्य और मन में हो मुक्षा, भगवत प्राप्ति की इच्छा, भगवान और ब्रह्म ये शब्द ही दो हैं, हो ये जो चिढ़ते हैं उनको भागवत का भी पता नहीं है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान की शब्द से एक ही वस्तु का नाम भगवान परमात्मा और ब्रह्म है, उनको ब्रह्म नाम के प्रति इतना पक्षपात हो जाता है कि भगवान सुनना नहीं चाहते, और भगवान नाम के साथ इतना पक्षपात हो जाता है कि वो ब्रह्म नाम सुनना नहीं चाहते। वस्तु बिल्कुल एक ही है और सन्यासी होने का अधिकारी वही है जिसको नाम रूपात्मक प्रपंच से वैराग्य है। यदि वो ब्राह्मण होगा तो दंडक ग्रहण करेगा और उसको आचार्यत्व का भी अधिकार होगा, संन्यास के साथ साथ आचार्यत्व का, और यदि वो क्षत्रिय वैश्य होगा तो सन्यासी तो होगा लेकिन उसको आचार्यत्व का अधिकार नहीं होगा, ये धर्मशास्त्र का निर्णय है। और यदि शूद्र हो नारायण तो त्यागात्मक संन्यास में उसका अधिकार है, ग्रहणात्मक संन्यास में नहीं। तो आजकल क्या होता है इससे कोई मतलब नहीं, और उसका कर्म धर्म यही है कि यथाशक्ति त्याग पूर्वक रहे और किसी के साथ कोई संबंध न माने। सन्यासी माने होता है प्रदीप्त अंतर्दृष्टि, तेजोमय ज्वालामय अग्निमय सूर्यवत जिसकी दृष्टि है, किसी स्थान में आसक्त नहीं होता, किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता, किसी व्यक्ति से आसक्त नहीं होता, ये सन्यास का अर्थ है। निष्कर्म सिद्धिम परमाम सन्यासे नाभिगच्छति, सन्यास के द्वारा परम निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होती है, जहाँ न कर्म है न कर्म फल है, न कर्ता है न करण है, जहाँ न फल है न भोक्ता है न भोग्य उपकरण है, ये स्थिति जो है परम निष्कर्म सिद्धि सन्यास के द्वारा प्राप्त होती है। वैसे जिसका चिंतन से प्रेम हो जाता है, अंतर्मुखता से प्रेम हो जाता है, शांति से प्रेम हो जाता है, उसको बाहरी चिंता से अगर मुक्त ही रखा जाए तो वो चिंतन करके ऐसे ऐसे रत्न ऐसे ऐसे हीरे दे सकता है, और उसके संकल्प से ही विश्व मानवता का कल्याण हो सकता है यदि कोई अंतर्मुख हो तो। तो ये तो महाराज समाज का कर्तव्य है कि ऐसे व्यक्ति का जो भरण पोषण है वहन है वो स्वयं समाज करे, और यदि समाज चिंतन करने वालों को ध्यान करने वालों को अंतर्मुख होने वालों को अपना भार समझने लग जाए तो उस समाज के भविष्य के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या आज जितने क्या नाम है आंदोलन चल परिवार नियोजन, साधु लोग परिवार नियोजन से मुक्त नहीं है, है? एक भार तो ऐसी सरकार का हटा दिया उन्होंने,
न अपने आवास के लिए वे सरकार से भूमि की मांग तो नहीं करते, अपने व्यापार के लिए मदद तो नहीं चाहते हैं, नारायण बनी बनाई रोटी किसी के घर में मिल गई और उसको खा लिया, नारायण और परमात्मा के चिंतन में लगे रहे, विश्व का जो परम कल्याण है उसका चिंतन करने में लगे रहे, तो आप उनको बोझ क्यों मानते हैं? उन्होंने तो आपके सिर का उतार दिया, उन्होंने और आगे भी जो आप भविष्य के लिए बोझ रखना चाहते हैं अपने दिमाग में उसको भी उतारने के लिए तैयार हैं। अब बात ये रही कि आप कपड़े से या माला से या तिलक से किसी को साधु समझते हैं, हम वेश का तो आदर करते हैं, हमको वेश के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, परंतु साधुता वेश में नहीं है। आप सारी गीता को पढ़ लीजिए, उसमें कौन सी माला पहननी चाहिए इसका उल्लेख नहीं मिलेगा 18वां अध्याय में। कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, लाल पीला कि काला कि सफेद, कपड़े का वर्णन नहीं है। तिलक लंबा रहे आड़ा रहे इसका वर्णन सारी गीता में नहीं है। चंदन मलयागिरी रहे कि रंगीन रहे कि भस्म रहे इसका वर्णन गीता में नहीं है। तो हम वैसे जहां परमात्मा के चिंतन में अंतर्मुख में होने में सहायता करने वाला वेश है उसका हम आदर तो बहुत करते हैं, परंतु ये जो आपका ख्याल है कि व्याख्यान देने से बहुत व्याख्यान दिया जाए तो जगत का कल्याण होगा, या बहुत फावड़ा चलाया जाए तो जगत का कल्याण होगा, ये बिल्कुल गलत है। नारायण बिना व्याख्यान दिए बिना फावड़ा चलाए एक हृदय में उठने वाला जो सत्संकल्प है वो संपूर्ण विश्व में छा जाता है, व्याप्त हो जाता है, और महात्माओं के संकल्प से ही ये पृथ्वी धृत है और समाज धृत है, और इसको एक नारायण दुराचरण से मुक्त करने वाला, संग्रह से मुक्त करने वाला एक जीवन का आदर्श मिलता है। बड़े बड़े संग्रही और अत्यंत दरिद्र दोनों के बीच में एक साधु खड़ा है, वो गरीब से कह रहा है देखो बिना किसी सामग्री के हमारे पास कुछ नहीं है तब भी हम सुखी हैं, मेरे संग्रहहीन परिग्रहहीन भाई तुम दुखी मत हो, अपना कर्तव्य पालन करो, देखो हमारे पास धन नहीं है जमीन नहीं है हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी हम सुखी तो हैं, तुम भी सुखी रहो। वो धनी से कहता है कि देखो तुम इतना अन्याय करके दूसरों को पीड़ा पहुंचा के धन एकत्र करते हो, परंतु मैं बिना धन के जितना सुखी हूं उतना सुखी क्या तुम हो? तो नारायण धन संपन्न को अपरिग्रह की प्रेरणा देने वाला और दरिद्र को संतुष्ट करने वाला प्रसन्न रखने वाला जो साधु का जीवन है उसको आप मानवता के लिए समाज के लिए बोझ क्यों समझते हैं? वो बोझ नहीं है, उसके संकल्प से समाज का उद्धार होता है, उन्नति होती है, प्रगति होती है। साधु चाहिए, साधु चाहिए, बस इतनी बात है। ओम शांति।